नमस्कार दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच का दूसरा दिन खेला जा रहा है और इस मैच में एक ऐसी घटना घटी जिसे देख सब भारतीय खिलाड़ी हैरान रह गए। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हेडिंग्ले में पहले दिन पूरी तरह से मात खाने के बाद भारतीय टीम दूसरे दिन वापसी करने की कोशिश में खेलने उतरी। दूसरे दिन का खेल शुरू होने पर हेडिंग्ले के ऊपर बादल छाए हुए थे और हवा चल रही थी। टीम के पास विकेट हासिल करने का सबसे अच्छा मौका यही था। आज पहले सेशन की शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाज कसी भी गेंदबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को दबाव में रखा था, लेकिन भारत को सफलता नहीं मिल रही थी। भारतीय गेंदबाजों ने आज लेंथ में बदलाव किया और थोड़ी लंबी गेंदबाजी की। हालांकि स्विंग फिर भी नहीं मिल रही थी, लेकिन भी टीम इंडिया को आखिरकार 50 ओवरों की गेंदबाजी के बाद पहली सफलता मिली गई और ये विकेट एक बेहतरीन गेंद पर आया। शमी बंस के लिए राउंड द विकेट गेंदबाजी करते रहे और गेंद के एंगल को बाहर की ओर से अंदर की ओर लाने की कोशिश करते रहे, जिसमें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्हें सफलता मिली। ये लंबी गेंद थी जो टप्पा खाने के बाद अंदर के लिए आई और बंस ने इसे डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन बैट और पैड के बीच में बने गैप से गेंद निकल गई और ऑफ स्टंप के ऊपरी हिस्से में लगी। दोस्तों, इसके बाद गेंदबाजों में एक बदलाव हुआ और इस सेशन में पहली बार रविंद्र जडेजा गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने आते ही कमाल कर दिया। भारत को आखिरकार हसीब हमीद के डिफेंस को भेदने में सफलता मिली और ये काम किया जडेजा ने और उनका साथ दिया ऋषभ पंत ने। पंत ने जडेजा को विकेट के पीछे से कहा गेंद को मिडिल ऑफ स्टंप पे रखना। पंत की यही आवाज स्टंप माइक पर रिकॉर्ड हो गई और जडेजा ने भी वही किया। 63वें ओवर की आखिरी गेंद मिडिल ऑफ स्टंप की लाइन पर थी, जिसे हमीद ने फ्रंट फुट पर आकर डिफेंड करना चाहा, लेकिन गेंद की लाइन से चूक गए और ऑफ स्टंप उखड़ गया। हमीद 68 रन बनाकर आउट हुए। जडेजा का इस सीरीज में ये पहला विकेट था। इसका श्रेय ऋषभ पंत को भी जाता है, क्योंकि उन्हीं के कहने पर जडेजा ने वैसी गेंद डाली। दोस्तों, ऋषभ पंत और जडेजा के लिए एक लाइक तो बनता है। वहीं दोस्तों, भारत ने दूसरे दिन के पहले सेशन में इंग्लैंड के दोनों ओपनरों को आउट करने में सफलता हासिल की। इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने एक और अर्धशतक पूरा कर लिया और साथ ही टीम के स्कोर को 250 के पार पहुंचा दिया। इसके बाद डेविड मलान ने भी टेस्ट टीम में वापसी का जश्न अर्धशतक के साथ मनाया। रूट और मलान के बीच शतक की साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन फिर मोहम्मद सिराज ने इस साझेदारी को तोड़ा। टी ब्रेक से ठीक पहले भारत ने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली और ये आई रिव्यू की बदौलत। दूसरे सेशन का आखिरी ओवर कर रहे सिराज की आखिरी गेंद लेग साइड पर रही, जिसे मलान ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुए। विकेट के पीछे पंत ने गेंद को लपका। इसी बीच सिर्फ सिराज ने अपील की, लेकिन उन्हें किसी का साथ नहीं मिला। पंत भी ज्यादा सुनिश्चित नहीं दिख रहे थे। कोहली ने पंत से पूछा तो पंत ने रिव्यू लेने से मना कर दिया, लेकिन सिराज के बार बार बोलने पर कोहली ने आखिरकार रिव्यू लिया और इसके बाद रिप्ले में जो देखा गया उसे देख सब हैरान रह गए। रिप्ले में देखा कि बल्ले का हल्का सा किनारा लगा था और इस तरह भारत को बड़ी सफलता मिल गई। विकेट मिलते ही सभी भारतीय खिलाड़ी हंस पड़े, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये आउट था, लेकिन मोहम्मद सिराज पूरी तरह से श्योर थे और उन्होंने कोहली को DRS लेने को मनाया। कोहली ने भी सिराज पर भरोसा दिखाया और इस तरह भारत को तीसरी सफलता मिली। दोस्तों, मोहम्मद सिराज के लिए एक लाइक तो बनता है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया के आज के इस प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।